आईपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। न्यूमेरिकल देख रहे थे हम, और कल मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे आपके। रिप्लाई जो था वो बहुत अच्छा दे रहे थे आप, और सभी ने आंसर बताया वो बिल्कुल सही है। अब उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना चाहते हैं। हालांकि कोई भी मेरे हिसाब से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चन के अंदर, खाली डिस्टेंस वगैरह पता होनी चाहिए। तो एक ही फॉर्मूला लग करके हम क्वेश्चन को अलग अलग कंडीशन में सॉल्व करते आ रहे हैं। किसी में हमने विभव का योग किया है, अदिश योग, और तो किसी के अंदर हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। किसी में अभी अब तक इतना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखा हो। हालांकि आगे का एक क्वेश्चन है 11वें नंबर का क्वेश्चन, वो मैंने करवा रखा है पहले, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देखते हैं हम कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक एक करके, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दे रखा है कि एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है कि आवेशों -1 माइक्रोकुलाम तथा प्लस का 1 माइक्रोकुलाम, यानी कि दो आवेश अपने को दे रखे हैं, एक तो -1, और विद्युत द्विध्रुव आपको पता भी है बनता किससे है, जिनके अंदर आवेश का मान तो क्या हो, परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। तो इसमें भी देखो आवेश के मान तो समान है, एक और एक, केवल दिशा विपरीत है, यानी एक में माइनस है और एक में प्लस है, के मध्य की दूरी 4×10⁻¹⁴ मीटर है। यानी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है ये, तो ये बोल रहा है द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव का जो केंद्र होगा उससे 2×10⁻¹ मीटर की दूरी पर स्थित किसी अक्षीय बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। आपको विभव की गणना करनी है इसकी अक्षीय स्थिति पर। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझते हैं। तो अक्षीय स्थिति के अंदर क्या सूत्र रहेगा, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो वो समझते हैं। तो देखो एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, हमें पता है ये विद्युत द्विध्रुव होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिसके बीच की दूरी कितनी है 2a, ये होता है विद्युत द्विध्रुव। इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित एक बिंदु पर विभव की गणना करनी है। मान लीजिए p है, ये r दूरी पर हमें गणना करनी है। कौन सी स्थिति है, अक्षीय है, और अक्षीय आपको बताया था कि केंद्र से यदि हम एक ही रेखा में आगे की ओर बढ़ें तो वो उसकी क्या होगी, अक्षीय स्थिति होगी, उसकी अक्ष के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस एक्सिस के अंदर हो गया ये, ठीक है। आपको बताया गया था कि अक्षीय बिंदु पर जो विभव होता है, हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकाला था, उसकी दो स्थितियां देखी थी, एक तो अक्षीय देखा था और एक निरक्षीय देखा था। निरक्षीय में तो बताया था आपको कि विभव का मान 0 होता है, क्योंकि केपी कोस थीटा अपॉन r² - a² इस टाइप से कोई फॉर्मूला आता है, जिसके अंदर थीटा की वैल्यू हम यदि 90 डिग्री रखते हैं तो वैल्यू जाती है 0। और यहाँ पे पूछा गया अक्षीय, तो अक्षीय स्थिति के अंदर यदि हम विभव का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है केपी अपॉन r². एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है, टोटल विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, तो वो होता है केपी कोस थीटा अपॉन r² - a² cos² थीटा, इस टाइप से फॉर्मूला होता है। अब कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखिए, क्योंकि अक्षीय स्थिति का मतलब हो गया एक ही अक्ष के अंदर, और इसमें थीटा बराबर जब 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 1 रहेगा। बोझकर तो यहाँ से एक थीटा की वैल्यू यदि अक्षीय स्थिति में देखना चाहते हो 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो ऊपर तो बच जाएगा केपी, इसका मान भी 1 होता है लेकिन इसकी तुलना में छोटा माना जाता है, तो केपी अपॉन r² आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया अक्षीय स्थिति में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जहाँ हमें पता है कि पी जो है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आप पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, आपने पढ़ा था पी इज इक्वल टू होता है q×2a, किसी एक आवेश का परिमाण और दूरी का जो गुणनफल होता है वो होता है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब क्यू, क्यू का मान है, इन दोनों में से कोई सा भी एक आवेश लीजिए तो इनका मान अपने को बताए कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1 माइक्रोकुलाम, ठीक है। प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकुलाम, ये तो -1 माइक्रोकुलाम है और ये प्लस का 1 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। तो कोई भी एक आवेश लीजिए तो 1 माइक्रोकुलाम है, इसलिए 1×10⁻¹ कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 4 गुना दे रखा है, 4×10⁻¹⁴ मीटर ये दे रखा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, पी इज इक्वल टू 4×4 हो जाएगा, 10⁻⁴ और -14, माइनस का 20 कूलाम/मीटर होता है इसका यूनिट। तो ये तो आ गया द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमें दूरी पता ही है, आर का मान केंद्र से देख लो कितनी दूरी है, केंद्र से
उस बिंदु की, तो द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी अपने को बता रखी है कितनी, यहाँ पे दे रखा है आर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ मीटर, ये दे रखा है। तब विभव वी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर है, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर है, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, पी की वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण आप निकाल चुके 4 × 10⁻², 4 × 10⁻², अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 2 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर, तो 9 को 4 से गुणा करोगे 36, 10⁻⁹ कितना हो जाएगा माइनस का 11, अपॉन 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, इंटू 10⁻⁶ इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 12, तो ऊपर तो है 11 नीचे है 12, तो नीचे एक बच जाएगा, यहाँ से 10⁻⁶, ये ऊपर चला जाएगा तो 360 हो जाएगा, ऊपर 360 में 4 का डिवाइड दीजिए, आंसर आएगा 19 वोल्ट। तो ये अक्षीय स्थिति में इसका विभव आता है 90 वोल्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं खाली फॉर्मूला ही तो रखा, एक फॉर्मूले रखने के ऊपर ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, और वो कौन सा स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो जिस टाइप से सवाल पूछा जाए उसकी एक एक लाइन को लिखते जाइए और आसानी से इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके पास होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 10 है अपनी किताब के हिसाब से, और वैसे आज का दूसरा क्वेश्चन। आवेश दे रखा है 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इसे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो देखो आवेश दे रखा है, दूरी दे रखी है, इसको मीटर में बदल करके आप विभव की गणना कीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी बराबर के क्यू अपॉन आर, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा पूछ रहा है, अब आवेश को 2 × 10⁻⁹ कूलाम को, अब आवेश जो है वो चेंज कर दिया है, 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से किसी एकांक धनावेश को बताया था आपको, अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है। तो ये हमें पता ही है कि कार्य जो होता है एक समय में बल और विस्थापन होता है, तो कार्य हमेशा पथ पर डिपेंड करता ही नहीं है, जिस पथ से उसको लाया जाता है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, उस आवेश पर डिपेंड करेगा। तो क्या आंसर आएगा तो वो इसको समझिए। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कि एक आवेश दे रखा है, तो आवेश क्यू इज इक्वल टू वो तो दे रखा है अपने को 4 × 10⁻⁷ कूलाम, दूरी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए तो हो जाएगा 9 × 10⁻²⁰ मीटर, हो गया कन्वर्ट। विभव ज्ञात कीजिए, तो ये विभव आएगा, ये आपके एक का आंसर है पहले का, तो विभव वी इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर, ये आप निकालेंगे, के की वैल्यू रखना, क्यू की वैल्यू रख देना, जो भी आ रहा है वो आ जाएगा अपने, जैसे 4 × 9 × 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ और अपन में दूरी 9 × 10⁻², 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 7 है तो ऊपर ये −2, ये −7 कटेगा तो ऊपर माइनस का 5 हो जाएगा। इसको 9 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, सिर्फ 4 ही है, 9 तो कैंसिल हो गया, 4 10⁻⁹ में से 5 चला जाएगा 10⁴ और वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है 4 × 10⁴ वोल्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं, अब आवेश जो बदला गया है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य की गणना करनी है। तो सेकंड वाले पॉइंट के आंसर के लिए हम क्या कहते हैं कि अब की बार आवेश जो है 2 × 10⁻⁹ कूलाम तक लाने में कार्य की गणना कीजिए, और विभव तो ये दे रखा है इसने, विभव का मान दे रखा है 4 × 10⁴ वोल्ट, ठीक है। तो हमने बात करी थी कार्य की गणना करनी है, तो हमने पढ़ा था कि विभव या विभवांतर जो होता है विभव वो होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। तो हमें कार्य की गणना करनी है यहाँ से, तो कार्य निकालेंगे, तो कार्य इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वी, ठीक है। तो आवेश और विभव के डायरेक्ट मान पर डिपेंड कर रहा है, ये किसी पथ पर डिपेंड नहीं करता, और वैसे भी एक अदिश राशि है, तो क्यू क्यू का मान कितना दे रखा है अपने को,
ये दे रखा है और v का मान है ही, बस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ठीक है, ये तो हो गया एस क्यू का मान। v का मान दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर 4, इसका सॉल्व कर लीजिए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 10 की पावर माइनस 9 प्लस का 4 माइनस का 5, और आंसर किस में आएगा, जूल में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये और हम नीचे लिख देंगे, आपके इसके नीचे भी आपको ये लिखना है, नहीं यह पथ पर डिपेंड नहीं करता, यह कार्य उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिसके अनुदेश इसको लाया जा रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई प्लस डायरेक्शन आ रही है ना कोई माइनस डायरेक्शन आ रही है, तो ये पथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सिंपल वे के अंदर इसका आंसर है दोनों का, और आपको ऐसे आंसर देना होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इन दोनों के एक एक नंबर आपको मिलते हैं, इसलिए इनका जवाब जो है वो इस टाइप से सही ढंग से हमें देना है, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 11 का जो था वो हमने कर लिया, और मैं आपको याद दिला दूं कि कौन सा सवाल था। तो जो दूरी थी ना, हमने दूरी निकाली थी एक जगह, जिसके अंदर हमने आपको ये बताया गया था कि 10th क्लास के अंदर हमें एक फॉर्मूला यूज किया है दूरी निकालने का, एक्स टू अंडर रूट में होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वो हमने वो पढ़ा है। तो वो फॉर्मूला आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, और उसी के बेसिस के ऊपर हमें क्या करना है, ये वो जो 11वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा, और शायद आप देख लेना कि वो सेम है या नहीं, बस खाली 30 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है और बाकी दूरी तो वही है, ठीक है। तो वो आपको देखना है, अब इसके बेसिस के बाद में वो सवाल जो है वो तो हो जाएगा कम्प्लीट। और यदि आपने इसमें देख लेना, आपके पास बुक है तो, और यदि नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, उसका सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है। यदि आपको वो आंसर मिल जाता है तब तो ठीक है, और यदि नहीं आता है फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा, लेकिन हो जाएगा जहाँ तक मेरा मतलब मेरा जो थॉट है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ सकता है कई बार, तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए इसको, क्या है देखो, तीन आवेश दे रखे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू तथा प्लस क्यू, तीन आवेश अपने को दे रखे हैं, एक तो माइनस क्यू दे रखा है, एक प्लस क्यू दे रखा है और एक प्लस क्यू, तीन आवेश दे रखे हैं जिसमें क्रम से एक्स वाई तल में 0a 0 तथा 0 माइनस a बिंदुओं पर स्थित है। तीन पॉइंट्स बता रखे हैं अपने को, एक तो 0a है प्लस का पॉइंट, ये 0 है तो ये x का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का, तो सिर्फ y की वैल्यू दे रखी है, इसमें 0 है दोनों, इसमें माइनस का y वैल्यू दे रखा है, बिंदुओं पर स्थित है, अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर स्थित कीजिए कि विभव का मान ये होगा। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि कौन सा आवेश कैसा है इसके अंदर, है ना, एक टर्म्स आप ये देख लेना कि जहाँ पर ये आवेश है ना, यदि ये है माइनस क्यू, तो इससे ना बुक के अंदर भी ये सवाल दे रखा है लेकिन सही ढंग से नहीं दिया हुआ, तो इसके अंदर दिक्कत ये है कि जहाँ पर माइनस क्यू आवेश होगा ना, वहाँ पर आपको दूरी ना माइनस ए करनी है, ये माइनस ए यहाँ ना होकर के यहाँ है, ऐसे मान लीजिए, चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर दूरी जो है वो प्लस है, कहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस क्यू है वहाँ पर डिस्टेंस है माइनस ए, और जहाँ पे प्लस क्यू है वहाँ पर है प्लस ए, और तीन आवेश दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसके अकॉर्डिंग ही दे रखा है। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से, बिल्कुल सही है, इसी टाइप से दे रखा है अपने को। अब इसका देखो सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे ये सवाल दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखने में तो हम इसको देखते ही इससे हमें थोड़ा सा ऐसा डर लगने लग जाएगा कि ये कैसे आ गया, ऐसा सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे, तो कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं करना, कैसे इसको सिंपल वे में सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, दे रखा है कि तीन आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू क्रम से एक्स वाई तल है, तो एक्स वाई तल बनाइए, ये वाई तल हो गया और ये इधर वाला एक्स तल होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स तल की, हमें सिर्फ वाई तल की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है वो आप समझ जाइए, क्योंकि कहीं पे भी एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, एक्स के कोऑर्डिनेट की जगह वैल्यू देखोगे, क्योंकि निर्देशांक जो दिए जाते हैं वो एक्स वाई के अंदर दिए जाते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे एक्स की वैल्यू इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, लेकिन वाई की वैल्यू माइनस ए 0 प्लस का ही दे रखा है, ठीक है। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट में दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तो हो गया सेंटर मान लेते हैं इसका 0 0, ओ मान लेता हूँ इसको, तो ये 0 और 0 पॉइंट हो गए इसके, ठीक है।
ये तो इसका केंद्र बिंदु हो गया बीच का। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से प्लस ए, भाई एक तो माइनस ए बिंदु है और एक प्लस ए, तो माइनस ए किधर होगा? हमने देखा कि ऊपर जाते हैं तब तो प्लस का वाई कोऑर्डिनेट आता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस का वाई, तो ये नेगेटिव हो जाएगा पॉइंट। यहाँ पर वैल्यू कितनी? नेगेटिव नीचे होता है तो जीरो और माइनस ए हो जाएगा ये बिंदु, ठीक है। ये कितना होगा? तो इसको हम पॉइंट दे देते हैं जीरो और प्लस का ए, इसको पॉइंट दिया मैंने ए, इसको दे देते हैं बी। आई बात समझ में? अब क्या कहते हैं कि बिंदुओं को यह आवेश जो हमने उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया, और कहाँ पर कौन सा आवेश है, तो आप देखेंगे कि इस पर तो माइनस क्यू आवेश है, जहाँ पे माइनस दे रखा है यहाँ पे प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू दे रखा है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको सेट कर लिया, एक लाइन तो हो गई ख़त्म। अब ये बोलता है इसकी अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर, तो इसकी अक्ष है ये, इससे थीटा कोण बनाने वाली रेखा के ऊपर हमें आर दूरी पर सिद्ध करना है। तो ये इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये बिंदु पी कर देते हैं। जैसे हमने आपको पता होगा कि ये पढ़ भी रखा है, ये थीटा कोण पर झुका हुआ है बिंदु पी, और ये यहाँ से इसकी जो दूरी है वो है आर। या आप उस टॉपिक के अंदर जाइए जहाँ पे हमने विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव निकाला था, तो सेम ही वही हो जाएगा, देखना। तो यहाँ से अपने पास इसके कारण निकाल लिया आर दूरी पर, ठीक है। अब आपको बताया था कि थीटा कोण बनाने वाली रेखा, क्योंकि आपको पता है कि विभव निकालना हो तो इम्पोर्टेंट होती है आवेश से दूरी। तो आवेश क्या सभी जगह दे रखे हैं आप देखिए, तो आप देखोगे तीनों जगह आवेश दे रखा है, तो दूरी निकालनी जरूरी हो जाएगी। तो हम ये देखें, यदि मैं इसको इससे मिलाऊं, ये सामने ना होकर के थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेना ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि सेंटर में तो होगा नहीं, थीटा कोण पर झुकाव दिखाना है। ये लो, ये यहाँ पर इसको पी पॉइंट पर कर देते हैं फिक्स, ठीक है। तो क्या ये दूरी, मैं ऐसे बोलूँ कि क्या इस बिंदु ए से दूरी पी तक की सेम है क्या, इसके आर के बराबर है क्या? नहीं होगी। तो आप बोलोगे कि आर के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कितनी मान लेते हैं एक बार आर वन, ठीक है। इसको इससे मिलाएंगे, इस पी से, तो क्या ये दूरी इसके बराबर है? ये इसके बराबर नहीं होगी आर के, तो हम इसको बोलेंगे आर टू, ठीक है। अब देखिए, तो हम बोलेंगे कि आर दूरी पर विभव ज्ञात करना, यानी जितनी भी दूरियाँ आती है आर वन आर टू, इसको आपको कैसे बदलना होगा, आर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। कैसे हम इसको बदलेंगे देखते हैं, ठीक है। तो आर वन को आप इसके अंदर बदलोगे तो आप देखोगे इसके ऊपर हम लम्ब डालते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके ऊपर यदि हम ये लम्ब डालेंगे तो क्या होगा भाई? अब देखो आप ना, इसके ऊपर यदि आप ये लम्ब डालते हैं तो ये इसके अंदर एक झुकाव है, जिस झुकाव के कारण आप यदि इसके ऊपर लम्ब डालोगे तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये आप यदि डिस्टेंस निकालते हो तो ये कितनी दूरी आएगी? ये आपको मैंने वहाँ पे भी बता दिया, ए कोस थीटा आएगी। कितनी दूरी आएगी? ए कोस थीटा, ठीक है। कैसे आएगी? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी होती है 2a, विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव में हम दूरी ले चुके हैं कितनी, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, फिर इधर से इधर की दूरी भी a है, लेकिन वो नेगेटिव है और ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। इधर इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हैं और इसके ऊपर इधर से हम लम्ब डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो हम ये भी देखते हैं कि ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, ये सेम डिस्टेंस हो जाएगी उतनी जितनी ये है, कितना? ए कोस थीटा, ठीक है। सॉरी, देख लेना एक बार इसके अंदर, वापस से इसको कन्वर्ट कर देते हैं, रोकना एक मिनट। ये आप ना इसको ना यहाँ से लम्ब डाल देंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। एक चीज़ ये ध्यान रखना, कौन से डिस्टेंस हम निकाले थे, आप वहाँ उस टॉपिक में देखना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमें निकालनी नहीं है, हमें दूरी निकालनी है ये R1, और एक्चुअल में R1 किसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे कि R1 दूरी इसके बराबर है। इसको पॉइंट आप नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, चाहे एम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए एन, ठीक है। तो देखो पहले हम विभव निकालते हैं, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे विभव जो आएगा आर दूरी पर उसका मान आएगा तीनों आवेशों के कारण पर डिपेंड करेगा, तीनों आवेशों के कारण, ठीक है। अब तीन आवेश कौन कौन से हो गए? एक तो ये वाला प्लस क्यू, ये दूसरा प्लस क्यू, और ये तीसरा माइनस क्यू। तो क्या मान आएगा इसका? तो हम बोलेंगे के क्यू अपॉन आर होता है फॉर्मूला, तो के क्यू ए, के क्यू ए अपॉन दूरी कौन सी आएगी? ये वाली, ठीक है, ये दूरी आएगी आर वन वाली, ठीक है। तो R1 है, या फिर मैं इसे कहूँ कि A से लेकर P तक की दूरी कह सकते हैं, तो मैं सीधा लिख देता हूँ R1,
ठीक है, फिर प्लस दूसरा आएगा के क्यू बी, क्यू बी नहीं है यहाँ पे, पहले ओ है, तो यहाँ पे के क्यू ओ लिख देता हूँ, तो के क्यू ओ अपॉन दूरी, ये तो आ रही है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रहा है, और इसमें कितनी है आर टू, तो प्लस के क्यू बी अपॉन आर टू, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, इसी से हमारा आंसर निकल के आएगा। अब आप देखिए खाली क्या करना है, क्यू ए क्यू बी क्यू ओ का मान तो अपने पास दे रखा है, खाली देख किसका नहीं रखा, आर वन आर और आर टू का, तो हमें तीन डिस्टेंस निकालनी है, आर वन आर की तो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, खाली आर वन और आर टू का मान निकालिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम कहेंगे, तो देखो ये दूरी कौन सी, ए कोस थीटा आने वाली है, तो आप देखोगे कि ये तो हो गया इसके अंदर लंब, तो ये हो गया थीटा हो गया, तो ये तो हो गया आधार, और ये दूरी अपने को दे रखी है ए, ठीक है, तो हमें ये दूरी निकालनी है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि अपने पास जो आर वन आएगा उसका मान कितना आएगा, आर वन इज इक्वल टू, आर वन है वो एक्चुअल में बराबर है किसके, एम से लेकर पी तक के, एम से लेकर पी तक के, और एम पी निकालना है तो अपने पास दूरी दे रखी है आर, तो कहाँ तक की, ये इसमें से हम यदि ये माइनस कर दें, किस में से, मैं इसे लिखूं कि यदि आर में से हम क्या माइनस कर दें, ओ एम माइनस कर दें, आर में से इस पूरी डिस्टेंस में से ये हटा दें, तो ये आ जाएगा, तो ये आर के बराबर है, और आर टू किसके बराबर होगा, तो आर टू किसके बराबर है, ये इसके ऊपर लंब खींच दिया हमने, इसके बराबर कर दिया, यानी कि एन पी के, और ये एन पी किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे आर प्लस, आर प्लस ये आर तो है ही और साथ में ये ओ एन भी है, तो आर प्लस ओ एन के, ठीक है। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आता तो एक बार वो टॉपिक जो हमने विभव करवाया था विद्युत ध्रुव के कारण, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, हमें ओ एम या ओ एन का मान निकालना है, तो दोनों का सेम ही आएगा, तो देखिए क्या आता है कि ओ एम, इसमें देखो ओ एम और ये दूरी दे रखी है अपने को ओ ए, ओ एम अपॉन ओ ए किसके बराबर होगा, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, ओ एम बटा ओ ए किसके बराबर होगा, ओ एम तो क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण, आधार बटा कर्ण किसमें होता है, लाल बटा कक्का से आप देख सकते हो, कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा के, तो यहाँ से हमें तो ओ एम का मान चाहिए, तो ओ एम इज इक्वल टू कितना आएगा, ओ ए कोस थीटा, ओ ए कोस थीटा, तो ओ ए कोस थीटा, ओ ए का मान कितना है, ओ से लेकर ए तक का, ओ से लेकर ए तक का कितना मान है ए, तो अपने पास ओ एम का मान आएगा ए कोस थीटा। सिमिलरली आप यदि इसको चेक करते हैं तो इसका मान भी इतना ही आएगा, तो मैं कहूँगा कि ओ एन की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, ए कोस थीटा के। ध्यान रखना कि ये मान आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा, ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ओ एम और ओ एन का मान आ गया, तो आर वन और आर टू का मान आ जाएगा, तो आर वन की वैल्यू कितनी आएगी, आर माइनस ओ एम, यानी कि आर माइनस ओ एम है ए कोस थीटा, और आर टू की वैल्यू कितनी आएगी, वो जाएगी आर प्लस ए कोस थीटा। इन टर्म को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं नंबर देता हूँ एक, इसको नंबर देता हूँ दो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से यहाँ तक। यदि ये समझ में आ गया ना, तो आगे बस खाली डिस्टेंस ही निकालनी है, और डिस्टेंस आ गई तो हमें दिक्कत ही नहीं आएगी। तो विभव कितना आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, अब तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें, खाली कंडीशन एक ध्यान रखना है कि आर इज़ ग्रेटर देन ए लेना है। अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि क्यू ए का मान तो कितना है यहाँ पे, क्यू ए का मान तो है प्लस का क्यू, क्यू ओ का मान कितना है, तो वो भी प्लस क्यू है, लेकिन क्यू बी का जो मान है वो माइनस का क्यू है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो है माइनस का क्यू, क्यू बी बिंदु पर, ये है प्लस का क्यू और ये है प्लस का क्यू। अब मान इसका हम आगे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन ही कर रहे थे अपन, और ना क्यू ए तो यहाँ लिख देता हूँ कि क्यू ए का मान तो है अपने पास प्लस का क्यू, क्यू बी का मान है प्लस क्यू, सॉरी क्यू ओ का, और क्यू बी का मान है माइनस का क्यू, ठीक है। तो अब समीकरण देख लेंगे, इसको मैं नंबर दे देता हूँ तीन, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो अब ना दो और तीन से मान एक में रखेंगे, दो व तीन से मान समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक में रखो तो विभव का मान कितना आएगा, के क्यू ए, तो क्यू ए का मान तो कितना है प्लस का क्यू, दूरी आर वन का मान आर माइनस ए कोस थीटा, ठीक है, फिर प्लस के क्यू ओ का मान प्लस का क्यू, और आर है ऐसा कैसा ही है, और के क्यू भी है, तो देखिए यहाँ पे प्लस है,
क्यूबी प्लस का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्यूबी का मान माइनस का क्यू, इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो के क्यू अपॉन आर टू, आर टू की वैल्यू आर प्लस ए कोस थीटा। इस टर्म को मैं इधर ले कर लेता हूँ बाहर, तो के क्यू अपॉन आर तो आ गया बाहर, ठीक है। ये टर्म हो जाएगी के क्यू अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा, और ये प्लस माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। इन टर्म को सॉल्व कीजिए, जो आंसर आता है वो अलग से नोट करना। तो के क्यू अपॉन आर, इसको तो अलग लिख लीजिए, इन दोनों में से के क्यू कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस ए कोस थीटा, ये माइनस वन अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। ये अपने पास ऐसे आ गया। अब इसका हम क्या लेंगे, लघुतम, और फिर सॉल्व करेंगे। तो आगे देखिए क्या आता है, के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू, एलसीएम दोनों में आ जाएंगे, आर माइनस ए कोस थीटा और आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लिया, दोनों ही टर्म आ जाएगी नीचे, इसमें ये इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा। तो पहले तो आएगा आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर, फिर ये आ जाएगा माइनस आर, पता ना, इसका भाग इसमें दोगे तो ये आर प्लस ए कोस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, और आर माइनस ए कोस थीटा बार भाग जाएगा, तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ये आर प्लस का, ये माइनस का, ये तो हो जाएगा कैंसिल, और बाकी टर्म को ऐड कर लेंगे। इतना एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कॉपी में आपको नोट भी करना है, इसके बाद में आगे देखते हैं। ओके, इसके बाद में देखिए इस टर्म को अलग ही रखेंगे, के क्यू अपॉन आर को तो प्लस के क्यू है ही, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे देखिए ये ए कोस थीटा, ए कोस थीटा कितना हो जाएगा, टू ए कोस थीटा, और नीचे क्या आ रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इन दोनों टर्म में हमें इस टाइप से चाहिए आंसर। के का मतलब तो आप जानते हो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, के इज इक्वल टू कितना होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले हम क्या करते हैं, के बाहर लेना सिर्फ, तो के बाहर ले लीजिए, क्यू अपॉन आर बच रहा है यहाँ, ठीक है, इस क्यू को अंदर भेज दीजिए, तो क्या आएगा, टू क्यू ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। के की वैल्यू होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक हमें कंडीशन लेके चलनी है, आर इज ग्रेटर देन ए। तो यदि आप आर को बड़ा मानते हो ए से, तो आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, किससे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से। तो इसकी टर्म की बजाय इसको नेगलेक्ट कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्यू अपॉन आर प्लस टू क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर, ये आंसर अपने आ जाएगा, सॉरी कोस थीटा भी, ठीक है, ये आंसर आ गया। क्या यही आ रहा है, देख लीजिए आप, तो ये सिंपल वे के अंदर आप इसको निकाल सकते हैं, खाली डिस्टेंस निकालनी थी कि कैसे डिस्टेंस आती है। तो इन सिंपल वे के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देखिए किस टाइप से किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से एकदम करना है, ओके, कितना मिनट का हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से इसको देख करके एक बार फिर से बिना देखे बिना ट्राई कीजिए, ताकि आपका ये सोल्यूशन आप आसानी से याद कर सको। इसी टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आपको किस टाइप से सॉल्व करना है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।